Dear students, today's topic is counter current mechanism, and this is me, Rajeev. This is very important topic of the chapter excretory products and their elimination of class 11th. So I will deal it today. First of all, मैं आपको एक ये चीज़ बताऊँ कि counter current mechanism एक special mechanism है जो कि हम लोगों को higher vertebrates में देख ऑब्जर्व होती है. हायर वर्टेब्रेट्स जिसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं मैमल्स प्लस बर्ड्स, ये इसके अंदर ये मैकेनिज्म होती है काउंटर करंट मैकेनिज्म. और इसमें सेकंड एस्पेक्ट जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो ये कि इसका जो मेन पर्पस है वो है हाइपरटॉनिक यूरिन का प्रोडक्शन. हाइपरटॉनिक यूरिन प्रोडक्शन इसका क्या मतलब होता है ये अभी आपको इसकी फुल मैकेनिज्म तो मैं बताऊंगा ही. हाइपरटॉनिक यूरिन का मतलब है कि हमें अपने वाटर को रीएब्सॉर्ब करना है और जो यूरिन प्रोड्यूस होगी वो कंसंट्रेटेड यूरिन होगी. इस मैकेनिज्म से हम कंसंट्रेटेड यूरिन का प्रोडक्शन करते हैं. और इसमें जो हमारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज किडनी एंड द यूनिट ऑफ द किडनी इज नेफ्रॉन एंड वन ऑफ द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज लूप ऑफ हैनले. लूप ऑफ हैनले ये हमारा एक सीक्वेंस है किडनी नेफ्रॉन और नेफ्रॉन्स का एक पार्ट है लूप ऑफ हैनले. तो इसमें आपके दो लूप ऑफ हैनले जो कि एक पैरेलल ट्यूब्स होती हैं दो हेयर पिन लाइक, तो ये इसका नेफ्रॉन में मिलता है. और साथ में इसी का ही एक अनदर सेगमेंट हम लोग बोलते हैं जिसे वासा रेक्टा, ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है. वासा माने वेसल्स, रेक्टा माने इरेक्ट. वेसल्स और इरेक्ट ये हमारे पास ये दो इन्वॉल्वमेंट है लूप ऑफ हैनले का और वासा रेक्टा का. अब मैं आपको इस मैकेनिज्म की, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप इसके जो बेसिक्स हैं वो जानते होंगे, इसलिए मैं टू द पॉइंट काउंटर करंट मैकेनिज्म पर ही आगे प्रोसीड करूँगा. तो सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा. दिस इज द वूमेंस कैप्सूल, वूमेंस कैप्सूल. और इस वूमेंस कैप्सूल में आपका ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये हम लोग इसको बोलेंगे क्योंकि ब्लड की जो सप्लाई होगी वो हमारी इस एंड से होती है और इसको हम लोग बोलते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल. अफेरेंट आर्ट्रियोल और जो ब्लड हमारा इस साइड से प्योरीफाई होके या फिल्ट्रेट होके फिल्टर होके जो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे, जिसके थ्रू जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियल. ठीक, तो ये हमारे इसमें चैनल हैं और ये हमारा जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम लोग मतलब एफरेंट आर्टेरियल लीड्स टू द ग्लोमेरुलस. और ग्लोमेरुलस ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वूमेंस कैप्सूल. वूमेंस कैप्सूल और ये हमारा जो है इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोमेरुलस. ये ग्लोमेरुलस और वूमेंस कैप्सूल दोनों कंबाइंडली हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में रोल प्ले करते हैं. होता क्या है कि यूरिन प्रोडक्शन की मैकेनिज्म में आपको डील कर चुका हूँ, तो इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर जो एक्युमुलेट होता है पार्ट दैट इज़ वी नोन एज फिल्ट्रेट. जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल हम लोगों की पूरी बॉडी में फुल डे में ऑलमोस्ट 180 लीटर पर डे ये फिल्ट्रेट हम लोगों का एक्युमुलेट होता है यहाँ. और इसमें जो है इस ये ट्यूबुलर जो पार्ट है जिसको हम लोग स्पेशली नेफ्रॉन जो बोलते हैं, उस नेफ्रॉन में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे
तो सबसे पहले देखिए, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन ड्रॉ करने का जो पर्पस है वो ये है कि मुझे काउंटर करंट, ये हमारा मतलब है। काउंटर करंट का मतलब है कि सबसे पहले इसकी जो नीड है वो दो पैरेलल ट्यूब्स होनी चाहिए, पैरेलल ट्यूब्स होनी चाहिए, और जो उसमें फ्लो है वो किसी भी चीज़ का वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। तो इससे से ही ये शब्द मिलकर बना है, काउंटर करंट। तो इसी को ही हम लोग इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इसमें जो ये वाला पार्ट है जिसको हम लोग ये ब्रश बॉर्डर के थ्रू लाइन रहता है, ये सारी चीज़ें मैंने यूरिन प्रोडक्शन की मैकेनिज्म जब बताई थी आपको उसमें मैंने डील किया था। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं सिंपली इसको हम लोग बोलते हैं PCT, क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और इससे जो ऊपर का हिस्सा है इसको मैंने जो नाम दिया है वो दिया है कॉर्टेक्स का, क्या है, कॉर्टेक्स। अब इसके बाद हम लोग जो है थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को इसमें लूप ऑफ हैनले का स्टार्ट हम लोगों को मिलता है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लूप ऑफ हैनले इट इज़ द एलोन पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच लाइज इन द मेड्यूला, विच लाइज इन द मेड्यूला। और इसमें आपको मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये बताना चाहूँगा कि लूप ऑफ हैनले में थ्री पार्ट्स होते हैं, और इसमें हम लोग जो मैं ये बना रहा हूँ, किसी किसी बुक में ये डिवीज़न नहीं किया गया है, आप जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारे पास जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ आ रहा है, डायरेक्टेड है ये, तो हमने इसका नाम दिया है थिक डिसेंडिंग लिम्ब, थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले। उसके बाद ये जो सेगमेंट है इसको हमने नाम दिया है क्या, थिन डिसेंडिंग लिम्ब। और यहाँ पर ये एक लूप बनाती है। मैं आपको बता दूं कि अगर ये लूप ऑफ हैनले में अगर ये बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाता है तब हम इस टाइप के नेफ्रॉन को जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा और डीप लेके जाता हूँ, और इसके थ्रू हम लोग आगे का एक्सटेंशन देंगे। और इसी में ही आगे चल के हम लोगों को यहाँ पर, क्योंकि ये आर्म, अब ये जो लूप है ये अब ऊपर की तरफ प्रोसीड कर रहा है, तो इसमें जो सबसे पहले जाएगा तो इसमें ये कुछ हमारी सेगमेंट हैं जो मैं आपको बना रहा हूँ, इसको हमने नाम दिया है क्या, क्योंकि ये असेंड वाला पार्ट है तो इसका नाम होगा ये, दिस इज़ द थिन असेंडिंग लिम्ब। और जो ये आगे जा रहा है इसी का ही, क्योंकि ये थिक हो गया है आगे, तो इसको हमने नाम दिया है थिक असेंडिंग लिम्ब। आगे चल के ये हमारा जो पोर्शन बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं DCT। फिर ये आगे प्रोसीड करेगा हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, जिसको हमने शॉर्ट में CT लिख दिया है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के बाद हम लोगों का ये जो चैनल है ट्यूबलर पार्ट, ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। और जब ये नीचे आ जाता है तो हम लोग इसको टेक्निकली बोल देते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ये जो आप पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं इसमें अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म का मैंने केवल आपको फंडामेंटल्स बताए हैं। देखिए, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें एक ऑस्मोलैरिटी का लेवल इस पूरे नेफ्रॉन में हम लोगों को मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो एरिया है इसको मैंने एक फ्लूइड से फिल कर दिया है, और इसी फ्लूइड का नाम जो होता है उसका नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अभी देखिए मैंने सिर्फ एक पार्ट इसमें डील किया है। आपको मैंने बताया था कि काउंटर करंट मैकेनिज्म में दो पोर्शन इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले लूप ऑफ हैनले और उसके बाद वासा रेक्टा, ये दोनों कंबाइंडली एक्ट करते हैं यूरिन को हाइपरटॉनिक प्रोडक्शन में
लाने के लिए। तो है क्या कि इसमें जो मैंने फर्स्ट पार्ट आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, ये लूप ऑफ हैनले का है। अब देखिए कुछ दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि जो ऑस्मोलैरिटी यानी जो आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो हमारा इस कॉर्टेक्स रीजन में, फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट को लेता हूँ तो ये लगभग 300 मिली ऑस्मोल लीटर इन्वर्स होता है। अब यहाँ पर जो मैंने ये 300 बनाया यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी डाइल्यूट यूरिन है, मतलब जो इसमें फिल्ट्रेट होके आ रहा है इस साइड से ये अभी बहुत ज़्यादा इसमें डाइल्यूट है और इसमें जो NaCl है वो अभी या जो भी और भी सॉल्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं वो अभी कम है। अब जैसे जैसे मैं आगे प्रोसीड करूँगा ये कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो चेंज होता है। अब सबसे पहले जो मैं डील करूँगा वो आपका असेंडिंग लिम्ब के बारे में मैं आपको बता दूँ कि असेंडिंग लिम्ब जो ये वाला पोर्शन है ये आपका स्पेशली इम परमेबल टू वाटर होता है, लेकिन परमेबल टू डिफरेंट आयंस, परमेबल टू डिफरेंट आयंस। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो 300 मिली ऑस्मोलीटर इन्वर्स का जो फ्लूइड है हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट किया है इस लेवल पर, वो देखा कि इस पॉइंट पर आते आते हमारी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 1200 मिली ऑस्मोलीटर इन्वर्स की हो जाती है। और आपको मैं बताऊं कि जब ये आगे की तरफ ये प्रोसीड करता है और इसमें ये वाला पार्ट जो है आयनिक चीज़ों, आयनिक जो हमारा कंपोजिशन है वो एक्सचेंज कर सकता है लेकिन पानी को एक्सचेंज नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि इसमें से NaCl एज ए होल, NaCl आपका इससे बाहर निकलना शुरू हो जाता है NaCl, और जो ये थिक असेंडिंग लिम्ब है इसमें से Na एंड ये Cl, Na प्लस Cl माइनस, ये आयनिक फॉर्म में है और ये दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाते हैं। अब आप देखिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल मेरा यहाँ 1200 मिली ऑस्मोलीटर था यानी इसके अंदर बहुत सारे आयंस थे, और जब ये ऊपर की तरफ प्रोसीड करता है तो ये NaCl इसमें से बाहर निकलते हैं। NaCl जब ये डिफ्यूज़ होता है यानी कि सिंपल डिफ्यूज़ हो रहा है तो NaCl की फॉर्म में, और जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो आयनिक फॉर्म में ये इस सेगमेंट से बाहर निकल जाता है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जब हम आगे प्रोसीड करते हैं तो जो आयनिक मूवमेंट होने की वजह से कंसंट्रेशन लेवल लगातार चेंज हो जाता है और इसमें यहाँ पर लगभग हमें मिलेगा 900, और अगर हम थोड़ा और ऊपर जाएँ तो यहाँ पर लगभग मिलेगा हमें 600, और जैसे ही हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये हम लोगों को मिल जाता है फिर से 300। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो NaCl है ये बाहर जब निकलता है तो इस पूरे सराउंडिंग्स में से आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इस एरिया का हाई हो जाता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और जो ये लगातार फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आ रहा होता है इसके अंदर आयनिक कॉन्सेंट्रेशन कंपैरेटिवली टू दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड कम होती है और यहाँ पर जो फ्लूइड होगा वो लो ऑस्मोटिक प्रेशर का होता है, और लो ऑस्मोटिक प्रेशर और हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इसकी वजह से क्या होता है कि, और आपको एक चीज़ एडिशनल याद करनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो पोर्शन है यानी कि जो हमारी ये असेंडिंग लिम्ब है ये तो इम्परमेबल होती है, लेकिन जो हमारी ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले है ये टोटली वाटर के लिए हमारे पास परमेबल है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परमेबल टू वाटर, ठीक, बट इम्परमेबल टू सॉल्यूट्स। तो अब आप देखिए
कि जो आयनिक कॉन्सेंट परमेबल टू सॉल्यूट्स तो मैंने आपको बता दिया, तो इसमें से क्या होगा कि पानी की जो मूवमेंट है वो बाहर की तरफ होना शुरू हो जाती है, यानी पानी इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, बिकॉज क्योंकि जो NaCl इस आपकी असेंडिंग लिम्ब से बाहर आया उसने इस एरिया का हाई ऑस्मोटिक प्रेशर कर दिया। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इधर है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर इधर है, पानी हमारा लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव कर जाता है। तो जो कंसंट्रेशन लेवल 300 मिली ऑस्मोलीटर इनवर्स हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्टेड होते हैं वैसे वैसे हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो यहाँ पर 600, फिर नीचे जाएंगे तो 900 और अल्टीमेटली हमें मिल जाता है 1200। तो आपने देखा कि ये 1200 ml है, और इसके बाद ये जो पोर्शन आप जो देख रहे हैं जिसको मैंने नाम दिया है आपका कलेक्टिंग डक्ट, ये भी इसका क्या रोल होता है कि जो फिल्ट्रेट है वो आगे जब प्रोसीड करता है आगे, तो ये यहाँ से भी इस वाटर की कुछ मूवमेंट यहाँ से होती है। तो जो आप देखिए यहाँ पर 300 है और इस एरिया में भी जो लेवल है वो 300 मिली ऑस्मोलीटर इनवर्स का होता है, लेकिन लगातार पानी की मूवमेंट होने की वजह से यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लेवल लगातार बदलेगा 600, फिर 900 मिली ऑस्मोलीटर, और अल्टीमेटली जो हमारी यूरिन बाहर की तरफ आउट साइड में जाएगी वो 1200 मिली ऑस्मो लीटर इनवर्स की होगी। तो इसका क्या आपको मतलब समझ में आ रहा है? देखिए हर जगह हर लिम्ब में आपको कॉर्टेक्स रीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो 300 ml है, 300 मिली ऑस्मो लीटर इनवर्स, 300 300, लेकिन जैसे ही आप नीचे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो आपको 900 से 1200, इसको हम लोग इनर मेडुला भी बोल सकते हैं, कि 1200 मिली ऑस्मोलीटर इनवर्स की रेंज में पहुंच जाती है। यानी ये जो पोर्शन है 1200 मिली ऑस्मोलीटर का, ये ब्लड जो यूरिन यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है वो ब्लड से फोर टाइम, ब्लड कंपेरेटिवली ब्लड के फोर टाइम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड है, मोर कंसेंट्रेटेड है। तो आपने देखा कि इस सिस्टम में हमें अपने वाटर को रीअब्सॉर्ब करना है, तो आप देखिए कि इस फिल्टर इस साइड से हमारा वाटर एलिमिनेट हो रहा है और इस साइड से हमारा वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, ज़्यादा बेहतर शब्द रीअब्सॉर्प्शन रहेगा। तो ये रीअब्सॉर्प्शन हम लोग करते हैं बिकॉज मैमल्स ऐसी कंडीशन में हमेशा नहीं रहते कि वो पानी लगातार कंज्यूम कर सकें फुल डे या फुल नाइट, तो ऐसे में उनके पास एक ऐसी मैकेनिज्म इवॉल्व होना ज़रूरी है जो पानी को रीअब्सॉर्ब कर सके, और रीअब्सॉर्प्शन के लिए हमें आयनिक कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हाई चाहिए, तभी ये पानी जो फिल्ट्रेट के अंदर था ये इससे मूव होके इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ पाएगा। अब आप देखिए जो सबसे क्रूशियल चीज़ है वो ये कि जैसे ही ये वाटर इन दोनों साइड से आउट होता है, ये तुरंत ही हमारे एक चैनल और इसके पैरेलल चलता है जो कि मैं अभी आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। देखिए ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये आगे चलकर ये बनाता है एक और ट्यूब जिसका हम लोग नाम देते हैं पैरी ट्यूबुलर नेटवर्क। क्या कहेंगे इसको? पैरी ट्यूबुलर नेटवर्क। और आगे चल के ये भी हमारा इस तरीके से, देखिए मैंने एक ये सेगमेंट यहाँ से बनाया है ताकि आपकी समझ में आ जाए कि ये जो आप देख रहे हैं ये जो लिम्ब है ये हमारी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है, और ये भी बिल्कुल पैरेलली अरेंज होती है लूप ऑफ हैनले के। तो अभी मैं जो ये बना रहा हूँ, ये जो सेगमेंट मैंने बनाया ये आपका वासा रेक्टा है, और आपको जैसे मैंने बताया कि वासा रेक्टा में हमारा ब्लड फ्लो करता है और लूप ऑफ हैनले जो है इसमें हमारा फिल्ट्रेट रन करता है। आप सीक्वेंस देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको वासा रेक्टा मान लूँ और इसको मान लूँ, इसको अगर मैं दो मिनट के लिए ये इसको मैं मानता हूँ कि ये जो पोर्शन है हमारा
ये लूप ऑफ हेनले है, तो इसमें काउंटर करंट मतलब अगर कोई चीज़ डायरेक्टेड नीचे की ओर है तो ये ऊपर जा रहा है, और अगर इसमें ये डायरेक्टेड नीचे की ओर है तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये सीक्वेंस ही काउंटर करंट कहलाता है, ये सीक्वेंस। अब इसके बाद जो है वो हम डील करेंगे द सेकेंड एस्पेक्ट विच इज़ वी कॉल्ड द लूप वासा रेक्टा में किस तरीके से ये काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट होते हैं। देखिए इसमें भी टू पैरेलली अरेंज लेम्स हैं और इसमें भी दो पैरेलली अरेंज लेम्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वही सीक्वेंस है कि आपको मैंने बताया, इसमें जो लेवल है वो हमारा 300 का है, और इसमें क्या होता है कि इस लिम्ब का नाम जो रखा है वो हमने दिया है डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। और ये जो डिसेंडिंग है और ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें से ब्लड फ्लो होके अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये हमारा हो गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक, अब क्या होता है कि आप देखिए कि वाटर जो यहाँ से यहाँ इस साइड से जो एलिमिनेट हो रहा है, मैं यहाँ पर ए बना देता हूँ और यहाँ पर बना देता हूँ ये बी, ये जो वाटर रीअब्सॉर्ब हुआ ये इमीडिएट आपका एक क्विकली एंटर्स इनटू द वासा रेक्टा। अब ये होता क्या है कि जो असेंडिंग लिम्ब है इस साइड से ये हमारा जो पानी था वो इसके अंदर एंट्री कर जाता है, जो ये यहाँ से हमारा एलिमिनेट हुआ। और जो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो हमारा यहाँ पर सराउंडिंग्स में है ही और इसमें ऑस्मोलरिटी ऑलरेडी हाई है NaCl की वजह से, तो इस वाले जो पोर्शन है इससे भी कुछ वाटर का एलिमिनेशन होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो 600 और ये 900 और अल्टीमेटली हमारा इस पॉइंट पर 1200 मिली ऑस्मोलीटर इन्वर्स का मिलना हमें शुरू हो जाता है। तो ये जो वाटर एलिमिनेट हुआ है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट एक ये भी है कि वाटर के लगातार इसमें आने की बाहर रीअब्सॉर्ब होने की वजह से, और इसमें कुछ हमारा जो मेटल्स थी, हमारी जो आयनिक कंसंट्रेशन थी Na और Cl, ये भी इसके अंदर डिफ्यूज़ कर जाते हैं, क्योंकि ये दोनों लिम्ब्स ही स्पेशली हमारी फ्रीली परमेबल टू आयंस वाटर एंड यूरिया, ये फ्रीली परमेबल है ये वाला जो हिस्सा है, तो इसमें आसानी से ये Na और Cl जो कि यहाँ से इस रीजन से एलिमिनेट हुए थे वो इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं। तो जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो जाहिर सी बात है वो आगे की तरफ रिच होता चला जाएगा, 300, 600 और फिर 900 और अल्टीमेटली 1200। ये हमारा जब प्रोसीड होगा तो इसके बाद हम लोग जब आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ क्या होता है कि अब आप देखिए कि जो वाटर इस वाले सेगमेंट से हमारा ए और बी से एलिमिनेट हुआ था या रीअब्सॉर्ब हुआ था वो इस असेंडिंग लिम्ब में आपका वापस आ जाता है। तो जो हमारा फ्लूडिटी है वो और कुछ इसमें से Na एंड Cl जो कि इस वाले सेगमेंट में हमारा एंट्री हो रही है वो इस वाले सेगमेंट से वापस हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है। कुल मिला के हमें किसी भी कंडीशन में अपनी जो ऑस्मोलैरिटी है वो 1200 मिली ऑस्मोलीटर इन्वर्स की रखनी है पूरे इनर मेडुलरी पार्ट में। अब जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो फिर से क्योंकि वाटर हमारा लगातार एंट्री हो रही है और सोडियम क्लोराइड हमारे एलिमिनेट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से यहाँ आयनिक कॉन्सेंट्रेशन का लेवल डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, और पहले वो आपका 1200 से 900, 9 से 600 और अल्टीमेटली हमारे पास ये 3 मिली ऑस्मो लीटर इन्वर्स होता है। अब आप देखिए कि जो ये ब्लड है, जो ये प्योरीफाइड ब्लड है उसकी ऑस्मोलैरिटी है हमारी 300, और जो यूरिन प्रोड्यूस हो रही है उसमें हमारे पास जो आ रहा है वो 1200 मिली ऑस्मोलीटर का आ रहा है। आप देखिए ये दोनों रिलेशनशिप,
ये ब्लड 300 से ऊपर की तरफ यानी कि आपकी पूरी बॉडी में एंटर करेगा और जो यूरिन प्रोड्यूस हो रही है वो 1200 मिली ऑस्मोलिटर इनवर्स की हो रही है, तो ऑलमोस्ट 4 times मोर कंसेंट्रेटेड है। तो कुछ फैक्ट्स हैं याद रखिएगा जो मैंने इसमें डील करने की कोशिश की है। पर्पस हमारा अल्टीमेटली ये है, वी हैव टू प्रोड्यूस द हाइपरटॉनिक यूरिन एट द एंड एंड ऑल द ऑस्मोलैरिटिक इक्विलिब्रियम यू कैन ऑब्जर्व बाय दिस फ्लो चार्ट। थैंक यू वेरी मच।